तो फ्रेंड, इंडिया और चाइना के रिलेशन पर एक मेजर अपडेट आई है, जहां पर इंडिया ने चाइना के 59 ऐप्स को टोटली बैन कर दिया है। इंडिया ने इसके पीछे जो तर्क दिया है वो डेटा चोरी के तर्क दिया है। इंडिया ने कहा है कि ये सारे 59 ऐप्स इंडिया के डेटा को चोरी कर रहे थे और दूसरे जगह बेच रहे थे। तो ऐसे में इंडियन यूजर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने यह कदम उठाई है। जो ऐप टिकटॉक, जैसे कि टिकटॉक हो गया, लाइकी हो गया, कवाई हो गया, जेंडर हो गया, कैम स्कैनर हो गया, इन सभी जैसे फेमस फेमस ऐप्स को क्लोज कर दिया गया है, टोटली बंद कर दिया गया है। इंडिया इन सब मेजर स्टेप्स के लेने के पीछे कहीं ना कहीं एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि जो LAC पर इंडिया और चाइना के बीच में जो क्लैश हो रहा है, तो वहां पर भी देखा जाए तो वो भी एक मेजर फैक्टर है ऐसे एक्शन के पीछे। इंडिया और चाइना के रिलेशंस कुछ इस कदर खराब हो चुके हैं कि इंडिया आज इकोनॉमिकली उस पे कह सकते हो प्रतिबंध लगाने की फिराक में है, और उसी के तहत यह स्टेप उठाया जा रहा है। इंडिया जितना ही उसे इकोनॉमिकली प्रेस करेगा, चाइना उतना ही कंट्रोल में रहेगा। अब बात करते हैं कि क्या इंडिया ने इस प्रतिबंध को जो लगाया है चाइनीज ऐप के ऊपर, वो ऑल ऑफ सडन वो किस हद तक कारगर है और किस हद तक सही है। देखो, जब तक आप विकल्प नहीं दोगे हमें उन सभी ऐपों का, तो ये अचानक से बंद कर देना थोड़ा तो कमी खलता है, लेकिन फ्यूचर के लिए तो इंडिया के लिए ये सही है और डिसीजन है, लेकिन वर्तमान में हमें बहुत हद तक झेलना होगा। और इस समय इंडिया में जो एंटी चाइना सेंटिमेंट क्रिएट हुआ है हमारे दिमागों में, वो कहीं ना कहीं हमें इन स्टेप्स को लेने से गवर्नमेंट को रोकेगा भी। ठीक है, हम लोग भी नहीं चाहेंगे कि चाइनीज ऐप हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि इस समय हमारे दिमाग में एंटी चाइना सेंटिमेंट्स काफ़ी हद तक उबाल पर है। तो ये अभी के लिए तो हमारे लिए खराब जैसा लग रहा है और हमें बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमारा भविष्य इसी में सही है। इंडिया और चाइना का जो रिलेशन खराब हो रहे हैं दिन प्रतिदिन, वो सिर्फ और सिर्फ चाइना के विस्तारवादी नीति इसके पीछे काफी हद तक जिम्मेवार है। सो मेरे तरफ से इंडिया ने जो ये स्टेप लिया है वो काफी सही है, और इंडिया को बस जल्द से जल्द इन सभी ऐप्स का विकल्प हमें प्रोवाइड करके दे देना होगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारे ऐप ऐसे हैं, जैसे टिकटॉक हो गया, लाइकी हो गया, या फिर कैम स्कैनर हो गया, यूसी ब्राउजर हो गया, ये सब घर घर गांव गांव तक फैले हुए हैं। सो होप कि इंडिया जल्दी ही इसका अल्टरनेटिव विकल्प हमें प्रोवाइड करेगा और हमें सेटिस्फाई करेगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।